एक और नया रेजोनेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने दो तरह के रेजोनेंस पढ़ लिए, कौन से? पाई बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड वर्सेस पॉजिटिव चार्ज। एक और हम रेजोनेंस कर सकते हैं, नया रेजोनेंस, पाई बॉन्ड वर्सेस बोरोन, बोरोन एटम। बोरोन एटम भी वैसा ही है, कैसा? कार्बन प्लस जैसा। तो ये थर्ड टाइप है, लेकिन देखा जाए तो ये सेकंड टाइप का ही एक क्लासिफिकेशन है। बस अंतर ये है कि बोरोन और कार्बन प्लस में, कार्बन पे प्लस चार्ज है, बोरोन पे बिना प्लस के भी एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो बोरोन को देखो आप, अगर आप इस कंपाउंड को देखते हो BH3+, तो पता है आपको कैसा दिखाई देगा? बोरोन वही, बिल्कुल। क्या मुझे प्लस लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, मैंने क्यों लगाया पता नहीं, यूं ही लगा दिया। तो बोरोन तो बिना प्लस के ही तीन वैलेंसी देता है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल लगता है। अगर प्लस लगा दोगे तो वो बेरिलियम बन जाएगा, उसके पास दो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। समझ में आ गया, एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो आप बताइए इसके साथ क्या है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जब ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तीन वैलेंसी है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही बोला है, अगर तीन चार होती है sp3, तीन है sp2, दो है sp, और आगे ट्राइगोनल प्लेनर। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो बोरोन के पास साथ है आपके पास। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से पाई बॉन्ड क्या होता है? वो तो दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों की तरह काम करता है। सामने वाला क्या है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारे पास बोरोन है तो BH2, क्योंकि बाकी अगर नहीं भी लिखता तो बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई करते हैं अपन, तो सही है। तो आप बताइए आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आपको मालूम है बोरोन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पूरे बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देंगे? इस तरफ। तो यहाँ क्या होगा? माइनस, और यहाँ क्या होगा? प्लस। समझ में आ रहा है? अब अगला क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है। अब इसको ऐसे देखें, बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और इसके ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कार्बन है और कार्बन के ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं है, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। इज दैट क्लियर? पहले इन दोनों में बॉन्ड हुआ करता था, पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया, अब इस तरफ जा रहा है, तो BH2 ये आ गया। तो इससे क्या हो गया, इससे बोरोन पे क्या चार्ज आएगा? प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि जबरदस्ती उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और बोरोन जब चार वैलेंसी शो करेगा तो वो क्या बन चुका है? कार्बन। तो क्या आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं हाइब्रिड? हाँ। तो इसका हाइब्रिड क्या होगा? आपका हाइब्रिड हो जाएगा ये डॉटेड BH2, बोरोन पे माइनस डेल्टा और इसके ऊपर प्लस डेल्टा, बस यही बनेगा। बोरोन को माइनस डेल्टा आपको शो करना पड़ेगा इस जगह। तो अगर कभी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आ गए, कैसे आएंगे? यहां बोरोन है, अब आप सोचो इसका हाइब्रिड क्या होगा, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो आप। तो इसका हाइब्रिड पता है क्या होगा? इसको कार्बन प्लस की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके ऊपर हमेशा माइनस डेल्टा होगा। अब देखिए ध्यान से, प्लस डेल्टा कहाँ होगा? बाकी सब जगह प्लस डेल्टा होगा। बाकी सब जगह प्लस डेल्टा होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोरोन पे माइनस है और बाकी सब जगह क्या है? प्लस डेल्टा चार्ज है।
यहां पहले कार्बन प्लस लिखते थे, अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, बोरोन। तो कार्बन प्लस बोरोन, तो जब वो कार्बन रहेगा तब बी माइनस लिखोगे, और जब वो कार्बन प्लस रहेगा तो बी लेगा। तो कार्बन, आपको समझ में नहीं आई मेरी लास्ट लाइन, मैं आपको समझा रहा हूं, ये डॉटेड और ये बोरोन, तो बोरोन पे माइनस डेल्टा, बाकी सब जगह प्लस डेल्टा। ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई, बहुत आसान है। बोलो यस। अगर आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया जाए और इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर पूछी जाए, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये तीन एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, एक दो तीन, एक ये चार, कि हम कैसे देखते हैं। ऑरल कंपाउंड शुरुआत में न्यूट्रल था, तो ये भी न्यूट्रल रहेगा, देख लो न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि माइनस और ये जितने भी चार डेल्टा हैं उनको मिला के वो चीज वहां जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब ये मत सोचना कि ये न्यूट्रल नहीं है सर, यहाँ तो नेट तो प्लस चार्ज आएगा, नहीं। आप इसको चाहो तो इसको डेल्टा डैश बोल दो, अगर आपको दिक्कत आए तो इसको डेल्टा डैश बोल दो, यहाँ तो बराबर ही है, बहुत अच्छी बात है। ये डेल्टा डैश की वैल्यू इन सबके समेशन के बराबर होगी, समझ में आ रही है बात? ओवरऑल कंपाउंड ये न्यूट्रल है तो वो भी न्यूट्रल होगा, ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत प्यारे हैं, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, लिखें आप इसको।